गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत, स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट SST, यूनिट सिविक्स, चैप्टर नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो लास्ट वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे अपने देश के संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारे देश का जो संविधान था, उस संविधान को बनाने में हमने कहाँ कहाँ से प्रेरणाएँ ली, उन सब के बारे में हमने स्टडी किया। अब आगे स्टडी करेंगे कि हमारे देश के संविधान को जो तैयार किया गया, वो कैसे कैसे तैयार किया गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्रपोजल ऑफ May 16, 1946। तो हमारे देश का जो संविधान है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा तैयार किया गया, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया गया एक कैबिनेट मिशन प्रपोजल भारत के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा जारी किया गया था May 16, 1946 को। तो जो अंग्रेज सरकार भारत में शासन करती थी, उसने भारत के लिए एक प्रपोजल पेश किया 16 मई 1946 को, और ये प्रपोजल कैबिनेट मिशन प्रपोजल के नाम से जाना गया। इसमें कहा गया कि भई आप अपने देश के संविधान को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुनो, उसके लिए चुनाव कराओ। इट्स कंपोजिशन, देयर वर टू बी 389 टोटल मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत की ये जो संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी जानी है, उसमें 389 टोटल मेंबर शामिल किए जाएंगे। आउट ऑफ दिस 93 मेंबर्स वर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। इन 389 में से 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट से चुने जाएंगे, एंड दिस वेर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस। और ये 93 मेंबर प्रिंसेस द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। इलेक्शन टू द रिमेनिंग 296 सीट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ July 1946। बाकी बची हुई 296 सीट्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी, उनके चुनाव July 1946 तक पूरे करा लिए गए। आउट ऑफ द 210 जनरल सीट, द कांग्रेस वन 201 सीट्स। 210 जनरल सीट्स थी, इनमें से 201 कांग्रेस ने जीती, वाइल द मुस्लिम लीग वन 73 सीट्स आउट ऑफ द 78 अलॉटेड टू द मुस्लिम्स के लिए 78 सीट्स अलॉट की गई, और इनमें से मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन August 15, 1947, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गॉट रिड्यूस टू 308 मेंबर। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ, और इस विभाजन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो हिस्सों में बटी, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के हिस्से में आई, उसमें टोटल मेंबर बचे वो थे 308 मेंबर्स। बाकी जो मेंबर्स थे वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए। इट वॉज इंडियाज गुड फॉर्च्यून डैट वेन इट एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट हैड द बेनिफिट ऑफ ए गैलेक्सी ऑफ आउटस्टैंडिंग लीडर। ये हमारे देश का सौभाग्य था, जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारे पास बहुत ही शानदार नेता थे, बहुत ही अच्छे नेता हमारे देश में मौजूद थे। सम ऑफ दिस लीडर्स हु वेर इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर फुली कॉन्शियस अबाउट द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क बिफोर देम। और जो नेता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किए गए, वो अब इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थे, उनको जो वर्क दिया गया था, जो देश का संविधान बनाना था, वो काम कितना महत्वपूर्ण था। देयर फार साइटेडनेस एंड विजनरी स्टेट्समैन फाउंड एक्सप्रेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो उनकी दूरदृष्टिता और समझ, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो देश का संविधान उन्होंने हमारे देश के लिए तैयार किया, जो हमारे देश का सुप्रीम लॉ है। Great men and women from different communities were entrusted with the momentous task of
ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया. दे केम टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री मेकिंग इट ए मिनिएचर इंडिया. तो हमारे देश का संविधान बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई थी उसके अंदर विभिन्न समुदाय से जो महान व्यक्ति और औरतें हैं, आदमी और औरतों को चुना गया. दे केम टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो भारत की संविधान बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई उसमें जो मेंबर शामिल थे वो भारत के लगभग सभी हिस्सों से शामिल किए गए. और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक छोटा भारत देश के समान था क्योंकि इसमें भारत के सभी हिस्सों से लोगों को शामिल किया गया. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड मेंबर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन ऑफ इंडिया. इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जिन मेंबरों को चुना गया वो भारत के अलग अलग समुदाय से और अलग अलग क्षेत्रों से लिए गए. इट ऑल्सो हैड मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. इतना ही नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों से भी मेंबरों को शामिल किया गया. इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जो मेंबर शामिल थे उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर्स हु गाइडेड द डिस्कशन इन द असेंबली. देर वर मोर देन 30 मेंबर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट. इतना ही नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 30 मेंबर शेड्यूल कास्ट से भी चुने गए. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वॉज रिप्रेजेंटेड बाई फ्रैंक एंथनी, और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से फ्रैंक एंथनी को इसमें शामिल किया गया. वाइल पारसीज वर रिप्रेजेंटेड बाई HP मोदी, और पारसियों की तरफ से जिस व्यक्ति को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किया गया उनका नाम था HP मोदी. कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स लाइक एलदाई कृष्णस्वामी अय्यर, BR अम्बेडकर, RM मुंशी वर ऑल्सो मेंबर ऑफ द असेंबली. और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी हैं जैसे अलदाई कृष्णस्वामी अय्यर, BR अम्बेडकर, RM मुंशी, ये भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे. इनको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किया गया. सरोजिनी नायडू एंड विजयलक्ष्मी पंडित वर इम्पोर्टेंट वीमेन मेंबर्स. और औरतों को रिप्रेजेंट करने के लिए सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित इन महिलाओं को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किया गया. We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.